हाय गाइस, आप सब अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। लास्ट टर्न के ऊपर मैंने आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मियोटीलियोसिस क्या है, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज मैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बारे में बात करूँगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द पीजीसी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम यहां पर तीन स्टेप्स की बात करते हैं। जब इसके प्रोसेस को पढ़ते हैं तो तीन स्टेप्स की बात करेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन फेज, तीन फेज हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। पहली प्रावस्था, गुणन प्रावस्था, तीन स्टेप्स कह दीजिए या फेज कह दीजिए। दूसरी अवस्था यहां पर आप लोग बताएंगे ग्रोथ फेज, जिसे हम वृद्धि प्रावस्था भी कहते हैं। और तीसरी फेज बताएंगे आप लोग मैच्यूरेशन फेज, या जिसको हम लोग परिपक्वन प्रावस्था भी कहते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करेंगे। हमारे दिमाग में कंसेप्ट रहे क्या, मल्टीप्लिकेशन फेज के दौरान हमेशा याद रखेंगे माइटोसिस होता है, यहां पर समसूत्री विभाजन होगा। ग्रोथ फेज के दौरान याद रखेंगे नो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन नहीं होता। मैच्यूरेशन फेज के दौरान याद रखेंगे यहां पर मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था क्या है। तो फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन फेज पर आते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था, देखिए इस प्रावस्था के दौरान यहां पर ये टेस्टिस है और ये टेस्टिस की पीजीसी कोशिकाएं हैं, पीजीसी ऑफ टेस्टिस, ये टेस्टिस की पीजीसी कोशिकाएं हैं। टेस्टिस की इन पीजीसी कोशिकाओं में यहां पर माइटोटिक डिवीजन होता है, यहां पर यह समसूत्री विभाजन होता है। इस विभाजन के दौरान यहां पर एक सेल से दो सेल, यहां पर एक सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौसठ, एक सौ अट्ठाईस, दो सौ छप्पन, पाँच सौ बारह, एक हजार चौबीस, दो हजार अड़तालीस, चार हजार छियानवे, इस तरह से ये नंबर मल्टीप्लाई होता हुआ चलता है और यहां पर स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर प्रत्येक जो सेल है वो यहां पर आप लोग बताएंगे माइटोटिक डिवीजन के अंदर एंटर करती है और इसके परिणाम स्वरूप यहां पर इस पर मेटोगोनिया का निर्माण होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि टेस्टिस की आदि जनन उपकला कोशिकाओं में लगातार समसूत्री विभाजन होता है, इस विभाजन के परिणाम स्वरूप असंख्य स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया और पीजीसी भी डिप्लॉयड होती है,
और स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉइड होते हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया जो बने हैं यहां पर बहुवचन शब्द के रूप में काम मिलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, सिंगुलर वर्ड के रूप में काम मिलेंगे स्पर्मेटोगोनियम। जैसे हम लोग बॉटनी के अंदर भी पढ़ते हैं कोनिडियम एक वचन, कोनिडिया बहुवचन, स्पोरेंजियम एक वचन, स्पोरेंजिया बहुवचन। उसी तरह से यहां पर पढ़ेंगे स्पर्मेटोगोनियम एक वचन, स्पर्मेटोगोनिया बहुवचन, ऊगोनियम एक वचन, ऊगोनिया बहुवचन। तो ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। तो यहां पर आप लोग बताएंगे पीजीसी और स्पर्मेटोगोनिया ये दोनों ही यहां पर डिप्लॉयड होते हैं। अब यहां पर हम लोग बताएंगे दूसरी फेज की बात करेंगे ग्रोथ फेज। देखिए ग्रोथ फेज का कंसेप्ट दिमाग में रहना चाहिए, नो सेल डिवीजन, यहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता। तो फिर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन फेज के दौरान बनने वाले स्पर्मेटोगोनिया जो है, तो प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम जो है वो ग्रोथ फेज में एंटर करता है। तो स्पर्मेटोगोनियम ये ग्रोथ फेज के अंदर एंटर करेगा। तो यहां पर याद रखने वाली जो बात है, यहां पर नो सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन नहीं होगा। यहां पर हम लोग बताएंगे स्पर्मेटोगोनियम जो है टेक न्यूट्रिशन, ये पोषक लेता है, पोषण पदार्थ लेता है, यहां पर ये न्यूट्रिशन लेता है, पोषण लेता है, पोषण लेकर आकार में ये वृद्धि कर जाता है। और अब हम इसे प्राई मेरी इस पर मेटोसाइट कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होता है, स्पर्मेटोगोनियम भी डिप्लॉयड होता है। मल्टीप्लीकेशन फेज के दौरान देखा माइटोटिक डिवीजन होता है पीजीसी सेल में, स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। अब स्पर्मेटोगोनियम वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करेगा, जब ये ग्रोथ फेज में प्रवेश करता है तो यहां पर इसकी ग्रोथ होती है और स्पर्मेटोगोनियम से यहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। तो देखिए पीजीसी, स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये तीनों सेल्स जो हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। अब हम आगे चलते हैं, ग्रोथ फेज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, जबकि यही ग्रोथ फेज की बात यदि हम लोग ओजेनेसिस के दौरान करेंगे तो इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है, क्योंकि वहां पर हम लोग प्री वाइटलोजेनेसिस और वाइटलोजेनेसिस के बारे में भी बात करेंगे। यहां पर थर्ड जो स्टेप, थर्ड जो यहां पर फेज है उसकी बात करेंगे, मैच्यूरेशन फेज, परिपक्वन प्रावस्था। देखिए मित्रों मैच्यूरेशन फेज में क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक जो स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट यहां पर मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर एंटर करता है। जब ये मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर एंटर करेगा तो यहां पर आप लोग बताएंगे कि मियोसिस फर्स्ट होता है। हम सब जानते हैं मियोसिस डिवाइड इनटू टू पार्ट, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट के अंदर रिडक्शन होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, 2n जो है वो n में परिवर्तित हो जाता है। यहां पर जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन या न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। चूंकि परिपक्वन प्रावस्था के दौरान होने वाला ये प्रथम विभाजन है, इसीलिए इसको प्रथम परिपक्वन विभाजन या हम इसको फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन भी कहते हैं, प्रथम परिपक्वन विभाजन। इस विभाजन के दौरान आप लोग यहां पर बताएंगे साइटोप्लाज्म जो है, यहां पर कोशिका द्रव्य जो है
वह इक्वली रूप से विभाजित होता है, यहाँ पर इक्वली रूप से ये डिवाइड होता है, जिसके कारण यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब दो सेल बनेंगी तो ये दोनों सेल आकार में समान होंगी और बनने वाली दोनों सेल यहाँ पर कैसी होंगी, हैप्लोइड, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, लेकिन यहाँ पर कोशिका द्रव का विभाजन समान होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जबकि आप लोग प्राइमरी ऊसाइट के बारे में जब डिस्कस करेंगे तब बताएंगे कि वहाँ पर साइटोप्लाज्म असमान रूप से विभाजित तो होता है, तो यहां पर साइटोप्लाज्म जो है समान रूप से विभाजित होता है और बनने वाली इन हैप्लोइड सेल को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं ये हैप्लोइड होते हैं। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इनके अंदर यहां पर आप लोग बताएंगे मियोसिस सेकेंड होता है, इनमें यहाँ पर हम लोग बताएंगे मियोसिस सेकंड होता है, और यहाँ पर भी हम लोग बताएंगे कोशिका द्रव्य का समान विभाजन होगा, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म जो है वो इक्वली रूप से डिवाइड होगा और इसे हम लोग कहते हैं सेकंड मैच्यूरेशन डिवीजन, इसे हम लोग कहेंगे सेकंड मैच्यूरेशन डिवीजन, और यहाँ पर प्रत्येक सेल जो है वो यहाँ पर मियोसिस सेकंड में एंटर करेगी और प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से यहाँ पर एक गोल अगुणित और अचल संरचना बनती है, इस संरचना को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिड्स, यहाँ पर बनेंगे स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स जो है ये गोल होता है, हैप्लॉइड होता है, ये अचल या हम बताएंगे नॉन मोटाइल होता है और इन कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन करने में असक्षम है, ये याद हम लोगों को यहां पर रखना है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड होगा और प्रत्येक एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड्स बनेंगे, स्पर्मेटिड गोल होगा, हैप्लोइड होगा, नॉन मोटाइल होगा और फर्टिलाइजेशन करने में असक्षम होगा। अब प्रत्येक स्पर्मेटिड्स का यहां पर मित्रों आप लोग बताएंगे मेटामॉर्फोसिस होता है, यहां पर मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है, और स्पर्मेटिड्स का जब मेटामॉर्फोसिस होगा तो यहाँ पर मोटाइल, हैप्लॉइड और फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम स्पर्म का यहाँ पर फॉर्म। तो फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे कि स्पर्मेटिड्स का यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस होता है, स्पर्मेटिड्स का यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है, कायांतरण के परिणाम स्वरूप प्रत्येक एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म जो है निषेचन करने में सक्षम होता है, स्पिंडल सैप या जैसे मनुष्य की बात करें तो स्पून सैप, रैट की बात करें तो हुक के आकार का या हुक सैप्ड होता है, और ये मोटाइल होता है, फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल होता है। तो यहाँ पर यदि आप लोग देखें तो प्रत्येक एक स्पर्मेटिड से यहाँ पर एक स्पर्म का निर्माण होता है, हमने देखा कि यहाँ पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्म का निर्माण होता है। कल जो क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि टेस्टिस की पीजीसी कोशिकाओं से स्पर्मेटिड्स बनने की क्रिया को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं, जबकि स्पर्मेटिड से स्पर्म का मेटामॉर्फोसिस होता है, इस प्रोसेस को स्पर्मियोटेलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।